Good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss moments. Now the reason why we are studying moments is because it talks about skewness. Already I have discussed with you about skewness. If you recall, skewness, it is measure of the degree of asymmetry. Skewness is measure of degree of asymmetry. That means it speaks about the departure from symmetry. Say if we plot the graph, as already discussed, if we plot the graph of the variate value versus the frequency, and if the tail towards the right is more, this is the mode value because it represents highest frequency variate. Here is median, which divides the data into 50-50, so this is median. And a mean is somewhere here. So when the tail towards the right is elongated, then the thing is mode is less than median, is less than mean. If you remember, mean bada hai, usse chota median hai aur usse chota mode hai. Jab ye side ki tail badi hoti hai, frequency distribution curve ki राइट साइड की टेल बड़ी होती है, एलोंगेटेड होती है, तो उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं. पॉजिटिव स्क्यूनेस. ऑन द अदर साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड से एलोंगेटेड ज्यादा है और राइट पे जल्दी वो नीचे आ जाता है, तो मोड आपका यहां पे रहेगा क्योंकि यह करस्पॉन्ड कर रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को. मोड के पीछे मीडियन रहेगा जो डेटा को 50-50 में डिवाइड कर रहा है. ये 50% डेटा और ये दूसरा 50% डेटा, तो यहाँ पे मीडियन है और उसके पीछे मीन आएगा. ये आ जाएगा आपका मीन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन के आगे मीडियन है और मीडियन के आगे मोड है. मीन से बड़ा मोड है यहाँ पर, मोड से बड़ा मीन है. ये दोनों अपोजिट है. इसे कहेंगे निगेटिव स्क्यूनेस. इफ यू रिकॉल, दिस इज नथिंग बट निगेटिव स्क्यूनेस, इज इट? तो स्क्यूनेस को मेजर करने के तीन मेथड्स है. स्क्यूनेस को मेजर करने के तीन मेथड्स है. पहला मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस के बारे में बात करता है और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हुज वैल्यू इज मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा. रिकॉल दिस, ये एक मेजरमेंट है स्क्यूनेस का. दूसरा है क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. दूसरा इज क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. क्वार्टाइल्स के बेसिस पे स्क्यूनेस की बात होती है. क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को मेजर करने के तीन मेजर्स है. पहला है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा है
क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कुड यू रिकॉल इट? तीन क्वार्टाइल्स होते Q1, Q2, Q3. Q1 इज लोअर क्वार्टाइल, Q2 इज मिडल क्वार्टाइल विच इज नथिंग बट मीडियन, एंड Q3 इज अपर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल. क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर्मूला इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. ये फॉर्मूलेज मेमोराइज करने हैं. क्वार्टाइल्स भी बेस्ड है ये स्क्यूनेस की मेजरमेंट. इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3. Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -1 और 1 के बीच में होता है. इसकी वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में आती है, -1 के पीछे नहीं जाती और +1 के आगे नहीं जाती. पॉइंट टू बी रिमेम्बर डियर स्टूडेंट्स. और तीसरा मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन थर्ड मोमेंट, बेस्ड ऑन थर्ड मोमेंट. इट इज डिनोटेड बाय γ1 एंड इट इज स्क्वेयर रूट ऑफ β1. नाउ यू मे आस्क मैम व्हाट इज γ1 एंड व्हाट इज β1. सो लेट अस डिस्कस व्हाट दे आर. सो वेयर β1 इज, यू जस्ट नोट डाउन दिस, वी आर अबाउट टू डिस्कस अबाउट दिस. μ3 स्क्वेयर अपॉन μ2 स्क्वेयर, दिस यू हैव टू मेमोराइज. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन थर्ड मोमेंट इज डिनोटेड बाय γ1 एंड इट इज स्क्वेयर रूट ऑफ β1, वेयर β1 इज μ3 स्क्वेयर अपॉन μ2 क्यूब. जस्ट रिवाइज दिस, β1 इज μ3 स्क्वेयर अपॉन μ2 क्यूब. हाउ एम आई रीडिंग इट? दिस इज μ3, μ3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब. दिस यू हैव टू रिमेम्बर वेरी वेल. ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी. अच्छी से लर्न करना है ये फॉर्मूला. γ1 इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ β1. ये जो मेजरमेंट है कोएफिशिएंट का, ये सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है. एकदम सिंपल मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, तीनों में से सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस तीसरा है. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन थर्ड मोमेंट. अब थर्ड मोमेंट समझने के लिए मोमेंट समझना पड़ेगा. मोमेंट्स समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए आज हम मोमेंट्स सीखेंगे, क्योंकि मोमेंट्स जो बेसिकली म्यू से डिनोट होते हैं, मोमेंट्स आपको स्क्यूनेस को मेजर करने में हेल्प करते हैं. और ये सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है. सो दिस इज प्रेफरेबल, जो सिंपल रहेगा वो प्रेफरेबल रहेगा. तो शुड वी स्टार्ट विथ मोमेंट्स? नोट डाउन करना है सब फॉर्म्यूलेस. सो हम मोमेंट्स के बारे में इतना ही जानते हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, हैप्पी मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, है ना? लेकिन ये मोमेंट्स स्टैटिस्टिक्स का मोमेंट्स है, और देखते हैं वो क्या है. तो मोमेंट एक नहीं है. इन जनरल हम अर्थ मोमेंट की बात करेंगे. इन जनरल अर्थ मोमेंट, द अर्थ मोमेंट
काइंडली नोट डाउन दिस डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलेज अच्छी से याद रखने हैं आपको. द अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन, तो मोमेंट अबाउट समथिंग होता है, तो यहां पर अर्थ मोमेंट अबाउट मीन एक्स बार ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर्थ मोमेंट अबाउट द मीन एक्स बार ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय. तो पहले नोटेशन देख लेते हैं जो मोमेंट्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है. आर्थ मोमेंट म्यू सफिक्स आर, दिस इज म्यू सफिक्स आर, दिस इज अर्थ मोमेंट. अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इज गिवन बाय द फॉर्म्यूला. सो द फॉर्म्यूला इज म्यू आर इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ इंटू x माइनस x बार रेस टू r. दिस इज द फॉर्मूला जस्ट अ मिनट. Yes. So to obtain earth moment of a distribution about the mean x bar, we use the formula mu suffix r equals to 1/n into summation f into x minus x bar टू द पावर आर. तो आर का रोल यहां पर है अर्थ पावर विल गिव यू म्यू आर, म्यू सफिक्स आर. अर्थ मोमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ पावर. इट इज अबाउट मीन, इसलिए वेरिएट वैल्यूज को मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अर्थ पावर लेंगे उस सब्ट्रैक्शन का, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेरिएट वैल्यू को जो फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स और एन से डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट अर्थ मोमेंट इन जनरल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन. म्यू आर इज अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन एंड इट इज 1/n into summation f into x minus x bar to the power r. Earth moment about the mean x bar for the given distribution. तो ये हुआ about the mean. So इसी lines पे about any point a आप ले सकते हो. तो ये दूसरी डेफिनेशन है, द करस्पॉन्डिंग मोमेंट. तो इसी को करस्पॉन्डिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट. इन जनरल आपने कोई भी पॉइंट ले लिया से ए इज डिफाइंड एज. सो ए इज रैंडम पॉइंट और इसके अबाउट अगर मोमेंट्स निकालना है आपको तो डिफाइंड एज. सो सी द नोटेशन इज म्यू सफिक्स आर डैश, म्यू सफिक्स आर डैश. तो अबाउट रैंडम पॉइंट के मोमेंट्स डैश से डिनोट होते हैं. यहां पर डैश का मीनिंग डेरिवेटिव नहीं है. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड डियर स्टूडेंट्स,
म्यू आर डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन एन समेशन एफ इन टू डी रेस टू आर, 1 अपॉन एन समेशन एफ डी रेस टू आर. कुड यू गेस व्हाट डी इज? डी ची काय वैल्यू असेल? एनी गेस? एनी वन? येस. व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ डी? डी इज डिविएशन. आई हैव गिवन यू हिंट नाउ. एक्स माइनस, दिस इज एक्स माइनस एक्स बार. सो व्हाट डी विल बी? एक्स माइनस ए. यस, इट इज करेक्ट. इट इज एक्स माइनस ए. सो दिस इज अबाउट अ रैंडम पॉइंट ए. अर्थ मोमेंट, अर्थ मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट ए इज 1 अपॉन एन समेशन एफ इन टू डी. डी इज एक्स माइनस ए. डी इज एक्स माइनस ए एंड दिस इज टू द पावर आर. x minus a to the power r into frequency of the variate x, and these will be entries of cells, and that cells will add, and that addition will give you this value, and you have to divide by n. Okay, screen is not visible. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कदाचित शुभमने पिन केलं नसेल. शुभम पिन इट. हो मॅडम, पिन केलं. Yes. अभी तक हमने मोमेंट अबाउट मीन देखा, अर्थ मोमेंट अबाउट मीन एंड अर्थ मोमेंट अबाउट एनी रैंडम ए. Now, this is one formula, but what if you want by step deviation method? Formula ka asel step deviation madhe? 1 upon n summation f. D cha aivaji ka asta? U raised to r into h. So it is it is equal to h raised to r upon n into summation f into u raised to r, where what is u? Step deviation. What x is x minus a upon h? Yes, x minus a upon h. So because it is u raised to r, here it is h raised to r. Point to be remembered. Discrete data होगा तो ये use करोगे. Grouped data होगा तो ये formula use करोगे. So we have discussed three general formulae: earth moment about mean is denoted by mu suffix r, and its value is, its formula is 1 upon n summation f into x minus x bar raised to r. Moment about any other point a is denoted by mu dash. So earth moment about any random point A is 1 upon n summation f into mod x minus a
to the power r, which in short can be written as d raised to r. And if the data is grouped data, this formula is meant for discrete data. If it is grouped data, then the corresponding formula will be h raised to r upon n into summation f into x minus a upon h raised to r. In short, h raised to r upon n summation f u raised to r. So are we done with this basic formula? Yes, ma'am. H is width of the class as usual, and n is summation of all the frequencies. Summation of all the frequencies. Now with this, suppose mujhe mu zero compute karna hai. What I want to compute? Mu zero. What will be mu zero? Zeroth moment about mean mu zero equals to r ko zero rakhna hai. आर को रख दिया जीरो, क्या वैल्यू आएगी? एनीवन? जीरो. जीरो. एनी अदर आंसर? वन मैम. वन. यस, वन इज द आंसर. व्हाई वन? एनी, दिस इज सम नंबर. ओके, एनी नंबर रेस टू जीरो इज वन. कोणता ही नंबर असो, जीरो तो पावर त्याचा वन असतो. वन इंटू एफ इज एफ, एंड समेशन ऑफ ऑल द एफ्स, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज एन. एन अपॉन एन विल बी वन. So remember, mu zero is one. Zeroth moment about mean is one always for any given data. Point to be noted, dear students. What about moment, zeroth moment about any other point? R ko zero rakho. Kya aayegi value? Mu zero is about mean, zeroth moment about mean. Mu dash zero is, mu zero dash is about any random point. Kitni aayegi value? Ye multiple choice questions mein pooch sakte hai questions. Mu zero dash. One nahi hai. One nahi hai. Very good. Mu zero is one and mu zero dash is also one. Remember this. So this is general discussion. R in general, mu r is one upon n summation f x minus x bar. X bar is the mean. Mu r dash 1 upon n summation f d raise to r, or ये discrete के लिए, और grouped data के लिए it will be h raise to r f u raise to r. And अभी हमने deduce किया कि zeroth moment about mean is 1. Zeroth moment for any distribution about any other point is also 1. अभी तक हमने इतना सीखा है. अब
म्यू आर डैश के पर्टिकुलर फॉर्मूले बना लेते हैं. म्यू वन फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी रैंडम पॉइंट. फर्स्ट मोमेंट आर को वन रखना होगा. फर्स्ट मोमेंट विल बी डी टू द पावर वन विच इज वन अपॉन एन इंटू समेशन एफ इंटू डी. सो दिस इज म्यू वन डैश. दिस इज म्यू वन डैश. वॉट अबाउट म्यू टू डैश. सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी रैंडम पॉइंट. हाउ मच इट इज आर को टू रखिए. हाउ मच इट इज म्यू टू डैश. अपॉन एन समेशन एफ डी रेस्ट टू. यस म्यू टू डैश इज वन अपॉन एन समेशन एफ इंटू डी स्क्वेयर. पॉइंट टू बी रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स. वन अपॉन एन समेशन एफ इंटू डी स्क्वेयर. म्यू थ्री डैश थर्ड मोमेंट अबाउट एनी रैंडम पॉइंट. वन अपॉन एन समेशन एफ डी क्यू. So these are first, second, third, and fourth moment will be 1 upon n summation f d raised to 4. Remember this. This will be for discrete data. For grouped data, the corresponding formulas will be mu 1 dash is equals to आर को वन रखते हैं इस फॉर्म्यूला में. आर को वन फर्स्ट मोमेंट म्यू वन डैश इक्वल टू एच अपॉन एन समेशन एफ यू रेस टू वन. सो विच इज एच अपॉन एन समेशन एफ यू म्यू वन डैश. म्यू टू डैश h raised to 2 it will be upon n into summation f u square. Mu 3 dash h cube upon n summation f u cube. And mu 4 dash will be h raised to 4 upon n summation f u raised to 4. यूचा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एफ प्रत्येक सेल मध्ये ही जनरेट होणार आणि त्या कॉलमचं एडिशन विल गिव यू दिस व्हॅल्यू. सो दिस इज अबाउट म्यू वन डॅश म्यू टू डॅश म्यू थ्री डॅश म्यू फोर डॅश विच आर मोमेंट्स अबाउट रँडम पॉइंट ए इफ द गिवन डेटा इज grouped data. Now next mu 1 we are talking about mu 1. To obtain mu 1 that is moment about mean we write the general formula 1 upon n summation f into x minus x bar to the power r. म्यू वन फाइंड करने के लिए r को आपको वन लेना पड़ेगा इस फॉर्मूला में. r को वन लेते तो दिस इज द फॉर्मूला.
आर इज वन. सो म्यू वन इक्वल्स टू वन अपॉन एन. इसको और डिटेल में एनालाइज करते हैं. एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स बार, दिस इज वन अपॉन एन समेशन एफ एक्स माइनस वन अपॉन एन समेशन एफ एक्स बार. Try to understand this. Mu 1, first moment about mean x bar. We are trying to obtain its value. And this is equals to summation fx upon n minus x bar. X bar is mean. It is constant, so I can take it out of summation. X bar ये common है सब quantities में, उसको मैंने common ले लिया. X bar को common ले लिया तो summation के बाहर आ गया. अब what is summation f? What is summation f? Yes, anyone? N. Exactly, N. N रख दिया मैंने. N upon N हो गया आपका 1. So, this is summation fx upon N minus x bar. I hope all of you agree with this. Summation of f is N only. N, N, N. Division becomes 1. Now, just tell me. Summation f into x whole divided by n. How much it is? कितना होता है ये? Frequency को variate value से multiply किया, उनका addition किया और n से divide किया. कितना होता है ये? X. थोड़ा और इम्प्रोवाइज कीजिए. हे शिकलो आपण स्टार्टिंग मध्ये x बार. एक्झॅक्टली, समेशन एफ एक्स अपॉन एन इज वन ऑफ द फॉर्म्युला. मीन काढला होता आपण, एक्स की व्हॅल्यू और उनकी फ्रिक्वेन्सीज, 1 की 2, 2 की 7, 3 की 9, ये डेटा है. तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 इज समेशन एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेन्सीज का एडिशन is nothing but mean. So it is mean. So x bar minus x bar, how much it is? Zero. Zero. So moment mu 1 is zero. That is first moment about mean for any distribution is equal to zero. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. अभी नटशेल में एक रिकॉल कर लेते हैं हम, अभी तक हमने क्या क्या सीखा. दिस इज अर्थ मोमेंट अबाउट मीन. अभी जस्ट डिड्यूस किया हमने कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जीरो होता है ऑलवेज. कोई भी डेटा दिया हो, फर्स्ट मोमेंट जीरो होता है. सेकेंड मोमेंट यहां से निकाल सकते हैं आर को टू रखकर. थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट निकाल सकते हैं. चार ही मोमेंट्स है, ठीक है. और मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ए, अर्थ मोमेंट, दिस इज वन फॉर्मूला. इफ द डेटा इज डिस्क्रीट एंड इफ इट इज कंटिन्यूअस डेटा, ग्रुप्ड डेटा, इट विल बी दिस. एंड वी हैव रिटन म्यू वन डैश म्यू टू डैश के फॉर्म्यूलाज.
और एक बात हमने सीखी है कि जीरोथ मोमेंट अबाउट मीन एंड जीरोथ मोमेंट अबाउट एनी रैंडम पॉइंट फॉर एनी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू वन. दीज आर सम पॉइंट्स विच वी शुड नोट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दिस. फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो एंड जीरोथ मोमेंट अबाउट मीन और एनी अदर पॉइंट इज इक्वल्स टू वन. विद दिस लेट अस प्रोसीड फर्दर. यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. ऑलवेज थिंग्स गेट डाइल्यूटेड. जैसे कि स्टेप डिविएशन का भी जो फॉर्मूला था या स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला था वो मीन के टर्म्स में था. इफ यू रिमेंबर, लेकिन हमने कन्वीनियंस के लिए इजी फॉर्मूला यूज किया था और वो स्टेप डिविएशन में था और वो आसान था यूज करने के लिए. तो लाइकवाइज मोमेंट अबाउट मीन को हम मोमेंट अबाउट एनी रैंडम पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करने के बाद में वो फॉर्मूला यूज करना आसान होता है. अभी तक ये हमारे लिए दो बातें थी. अब इसे निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि वो आसान होता है. तो ये बहुत रेयरली यूज होंगे, ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगे और इनका रिलेशन होने के कारण मोमेंट अबाउट मीन इनके थ्रू निकाले जाएंगे. अब और फॉर्मूलेज जो आपको याद रखना है जो मोमेंट अबाउट मीन देते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट. द फॉर्मूलाज आर लाइक दिस. म्यू वन तो हमेशा जीरो होता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रहो. म्यू टू सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वेयर. ये लिख लीजिए और इसको याद रखना है. मोमेंट सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट का स्क्वेयर. म्यू टू इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वेयर. दिस इज फर्स्ट फॉर्म्यूला जो आपको मोमेंट अबाउट मीन देता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट. अब आते हैं म्यू थ्री पर. थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू, नोट डाउन दिस फॉर्मूले. थर्ड मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट दैट इज म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश इन टू म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश क्यूब. ये फॉर्मूलाज हैं ताकि हमारे कंप्यूटेशंस आसान हो जाए. इनको लर्न करना है और इनका उपयोग करना है. तो ये था मीन अबाउट, सॉरी मोमेंट अबाउट मीन. थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ थर्ड मोमेंट अबाउट एनी अदर रैंडम पॉइंट. नॉट ओनली थर्ड बट सेकेंड एंड फर्स्ट मोमेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्म्यूले.
फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन म्यू फोर इज म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वेयर माइनस थ्री म्यू वन डैश टू द पावर फोर. फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर टू एंड फॉर्मूला नंबर थ्री ध्यान से देखिए इन्हें. आप कुछ इसमें से निष्कर्ष निकाल पा रहे हो? एनी फाइंडिंग्स? दो बातें हैं यहां पर, इसे गौर से देखिए और कुछ आप इसके बारे में कह पाते हैं तो प्लीज प्रोसीड. फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, दो फाइंडिंग्स होनी चाहिए. यस एनीवन? ऑब्जर्व इट केयरफुली, शायद कोई एक तो पता बता सकते हैं, एक तो पता चल जाएगा. राइट साइड में सारे म्यू डैश. हाँ वो तो है, क्योंकि हम मोमेंट अबाउट मीन को मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट बता रहे, तो डैशेस तो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है सारे, दैट इज ओके. बट एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न. शैल आई हाईलाइट? आई विल हाईलाइट इट. यहां पर कोएफिशिएंट कितना है? यहां ये कोएफिशिएंट कितना है यहां पर? यस एनीवन? वन. वन. एनी अदर आंसर? ये कोएफिशिएंट कितना है? दिस कोएफिशिएंट इज माइनस वन. इट इज माइनस वन. व्हाट अबाउट दिस कोएफिशिएंट? प्लस वन. प्लस वन. वन माइनस वन विल बिकम जीरो. जीरो. तो यहां पर कोएफिशिएंट्स की एडिशन जीरो हो रही है. एग्री टू दिस? ये याद yes, याद रखने में आपको हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं. अब यहां पर आइए, ये कोएफिशिएंट कितना है? वन. ये कोएफिशिएंट कितना है? माइनस थ्री. प्लस थ्री. ये प्लस टू. प्लस टू. तो ये एडिशन कितनी आ रही है? जीरो. माइनस वन. जीरो. वन. वन प्लस माइनस थ्री प्लस टू. जीरो. 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 यहाँ के कोएफिशिएंट्स की एडिशन जीरो हो रही थी, यहाँ के कोएफिशिएंट्स की एडिशन भी जीरो हो रही है. यहाँ पर आइए, फोर्थ मोमेंट कोएफिशिएंट इज वन. कोएफिशिएंट इज माइनस फोर. कोएफिशिएंट इज प्लस सिक्स. प्लस सिक्स. एंड दिस वन इज माइनस थ्री. माइनस थ्री. जीरो मैम, है तो जीरो. यस. वन प्लस माइनस फोर इज माइनस थ्री. माइनस थ्री प्लस सिक्स इज माइनस थ्री. माइनस थ्री प्लस सिक्स इज प्लस थ्री. माइनस थ्री प्लस सिक्स इज प्लस थ्री. एंड प्लस थ्री माइनस थ्री इज जीरो. तो ये आपको फॉर्मूले को याद रखने में हेल्प करेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ द वेरियस टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड इज जीरो. कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरियस टर्म्स ऑन द राइट साइड इज जीरो. दिस इज वन थिंग विच वी शुड नोट. सेकेंड थिंग इज
each term on the right side is of the same dimension. Each term on the right hand side की प्रत्येक term की dimension same है as the term on the left side. इसका dimension 2 है, right? So this is 2 and this is 1 but with a square. तो 1 दो बार आया है and this is 2, this is 3 and 2 and 1 make it 3 and 1 3 times. तो ये same dimension है. हर term की dimension left hand side के dimension को match करती है प्रत्येक term के. यहाँ पर 4 3 and 1 gives 4, 2 and 1 is 2 times, that is 2 plus 2, 4 and 1 is 4 times, that is 4. So each term on right hand side is of the same dimension as the term on the left. So these are some interesting things which we should commit to our memory so that we can easily obtain the values. We can easily learn the formulae. Any doubt up to this point? Kuch puchna hai? So ye main part hai. Moment about mean ke formulas in terms of moment about any other point. If you are okay with this, let me proceed further. Moments में जाकर अब बाहर आइए. अब बाहर आइए skewness में. हमारा discussion शुरू हुआ था skewness से. If you remember, skewness को measure करने के तीन methods है. एक Kalpiasen's coefficient of skewness, दूसरा quartile coefficient of skewness और तीसरा, I will write it once again, coefficient of skewness based on. So coefficient का वो skewness जो third moment पर आधारित है, based on third moment. इस coefficient को gamma 1 से denote करते हैं. गामा 1 से डिनोट करते हैं एंड गामा 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1. गामा 1 व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन थर्ड मोमेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1. सो वेयर बीटा 1 इज, बीटा 1 इज नॉट नोन टू यू येट, इट इज म्यू 3 का स्क्वायर divided by mu 2 ka cube. Formula to be remembered, mu 3 ka square divided by mu 2 ka cube. To third moment about mean, second moment about mean lagega, unka square aur cube karna hai respectively aur unka division karke beta 1 prapt ho jayega aur beta 1 ka square root aapko कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे देगा. आर वी डन विद दिस? एनी क्वेश्चंस? नो मैम. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है कर्टोसिस. इट इज कॉल्ड कर्टोसिस. तो जैसे स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस एसिमेट्री की बात करता है या सिमेट्री से कितने डिपार्ट हुए हैं, कितना डिपार्टेड है, कितना डिफरेंस है सिमेट्री से. वैसे कर्टोसिस मेजर्स, कर्टोसिस मेजर्स द डिग्री ऑफ पीक्डनेस, पीक्डनेस पीक यानी एक पॉइंटेड सा पॉइंट, पीक, पीक पॉइंट बोलते हैं ना हम, पीक पॉइंट. तो ये पीक है, तो ये पीकेडनेस को मेजर करता है.
कर्टोसिस. कर्टोसिस मेजर्स द डिग्री ऑफ पीकेडनेस और पीक्डनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज गिवन बाय बीटा टू. ये नोटेशंस तो आपको याद ही रखने हैं. कर्टोसिस मेजर्स डिग्री ऑफ पीकनेस और पिकडनेस ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज डिनोटेड बाय बीटा टू एंड बीटा टू इज म्यू फोर अपॉन म्यू टूज स्क्वेयर. इट इज रेशियो ऑफ म्यू फोर टू म्यू टू स्क्वेयर. फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर ऑफ सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन. सो पीक के बारे में बात करता है. बीटा वन बीटा टू. बीटा वन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन थर्ड मोमेंट एंड कर्टोसिस में बीटा टू है. अब सपोज कीजिए गामा टू नोटेशन यूज कर रहे हैं हम. बीटा टू माइनस थ्री है. सो दिस नंबर इज फिक्स. ये थ्योरी से आए हुए हैं, ये एज इट इज लेने होते हैं. तो गामा टू गिव्स एक्सेस ऑफ कर्टोसिस. अब जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्व में बीटा टू थ्री से बड़ा आएगा, मतलब ये सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब गामा टू पॉजिटिव आएगा, उस कर्व को कहेंगे लेप्टोकर्टिक. अब ये जनरल में बात हो रही है उन कर्व्स के लिए जिनके लिए बीटा टू की वैल्यू थ्री से बड़ी आ जाए, वो लेप्टोकर्टिक कहलाएंगे. और उनका नेचर कैसा होगा उन कर्व का, ऐसा लेप्टोकर्टिक. ये इतना पीक रहेगा. सो ये आपको भी ये भी याद रखना है, बीटा टू थ्री से बड़ा आ जाए तो इट इज लेप्टोकर्टिक. एंड दोज विथ वो कर्व्स जिनके लिए बीटा टू लेस देन थ्री चला जाए, ये आपको याद ही रखना है, उसे कहेंगे प्लैटिकर्टिक. बीटा टू की वैल्यू थ्री से कम आ गई तो कर्व प्लैटिकर्टिक आएगा, मतलब उसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी, ऐसे ऊपर जाएगा, पीक पे इतनी देर तक रहेगा और फिर ऐसे नीचे आ जाता है, इसे कहते हैं प्लैटिकर्टिक मार्क कर्व. और जिस कर्व के लिए बीटा टू थ्री आएगा, पहला था थ्री से बड़ा, दूसरा था थ्री से कम, और तीसरी संभावना क्या है, थ्री होगा, या तो थ्री से ज्यादा, या तो थ्री से कम, या फिर थ्री इटसेल्फ. बीटा टू अगर उनका थ्री आ जाए तो उसे कहेंगे मेसोकर्टिक. और उसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा होगा. मतलब वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता, ज्यादा शार्पनेस नहीं आती है लेप्टोकर्टिक में, ज्यादा ऊपर जाके फिर नहीं जाता है, ये थोड़े में ही नीचे आ जाता है. ये बड़ी चट्टान है, ऊंची चट्टान, और ये छोटी चट्टान, ऐसे याद रख सकते हैं. तो कर्व के बारे में आई होप आपको आइडिया आ चुकी है. एनी क्वेश्चंस? आज बहुत सारी बातें आपको लर्न करनी है. यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स. दे कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और टू मार्क्स क्वेश्चंस. इस पे बेस्ड एग्जांपल्स हम कल देखेंगे.
यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो लिंक शेयर कर रही हूँ मैं अपनी अटेंडेंस, वहां पर आप दर्ज करा देंगे। कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम पेपर देते वेळेस नेटचा इशू आलता, त्यामुळे ती हिट झाल नाही, पेपर देता आला। अच्छा ठीक आहे ठीक, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, आपण पुढे बघू त्याचं काय सोल्युशन काढायचं आहे ते, डोंट वरी। ओके मॅम, हां लिंक पे जाकर अपना अटेंडेंस लगाएंगे सभी, मैंने लिंक शेयर की है। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू टूडेज डिस्कशन? बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको मगअप करने हैं, मेमोराइज करने हैं। यस, गिव योर अटेंडेंस ऑल ऑफ यू, और होने के बाद में हाँ ऐसे डन या फिर वाई भी लिख सकते हैं। जल्द से जल्द अपनी अटेंडेंस दे दे। ओके, इट इज गुड दैट यू आर गिविंग द वैल्यू, गिविंग योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। जल्द से जल्द अटेंडेंस दे दे। अगर सबने अटेंडेंस दी होगी तो वी कैन स्टॉप हियर।